हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं रुड़की, मेरी वर्कशॉप। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो मेरे साथ जा रहा है मेरा भाई साहिल, तो वहाँ पे व्लॉग भी करेंगे। तो अभी देखते हैं, वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ हरिद्वार बस में, फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा सीन है। हरिद्वार से थोड़ा सा पास में है, तो मुझे हरिद्वार वाली बस लेनी पड़ेगी। शायद हमको पहले जाना पड़ेगा पानीपत से लेनी पड़ेगी हरिद्वार वाली बस। यहाँ से कोई एसी या फिर वोल्वो नहीं जाती है, तो हमको लोकल बस में ही जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। बट चलो, जो भी है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड वर्कशॉप, कंडक्ट वर्कशॉप, अटेंड नहीं, कंडक्ट बस स्टैंड। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड ऑटो में। बाइक पापा जी दिलाते नहीं है, तो कौन छोड़ के आएगा, इसलिए हमको ऑटो में ही जाना पड़ेगा। साहिल को मैं इसलिए ले जा रहा हूँ साथ में, एक तो साथ हो जाएगा, और ऊपर से ब्लॉग बना रहा हूँ तो उसको कैमरा यूज़ करना आता है अच्छे से, कि किस तरह से एंगल से शॉट लेने हैं, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो गाइस, फाइनली वी गॉट द बस एंड ये जाएगी पानीपत। तो पानीपत यहाँ से 130 किलोमीटर, 150 लगा लो क्योंकि बीच में जाम भी लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद वहाँ से बस चेंज करनी है हमने रुड़की के लिए। पानीपत से है 150 किलोमीटर, तो टोटल 300 किलोमीटर हमने जाना है आज। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस, फाइनली हम पानीपत तो पहुंच गए, बट यहाँ पहुंचने में हमको लगे पूरे 4 घंटे, और इतना ही टाइम अभी और लगेगा बिकॉज 150 किलोमीटर और है। तो रुड़की पहुंचने के लिए अभी 4-5 घंटे और लगेंगे यहाँ से, तो हम रात को 10-11 बजे तक पहुंचेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे की बस है हरिद्वार वाली, जो कि रुड़की छोड़ देगी हमको। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी आधा घंटा है, तो कुछ खा पी लेते हैं हम। तो पानीपत से रुड़की के लिए भी बस मिल गई है, बिल्कुल आगे सीट मिली है, बिल्कुल आगे। सो गाइस, अभी बस रुकी है ढाबे पे, और अभी टाइम हो रहा है तो अभी 8:40 हो चुका है, और यहाँ से अभी 50 किलोमीटर और है रुड़की, तो ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक हम पहुँचेंगे। तो आज तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया, और खाना पीना हमने लिया नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज हमने पहले ही खा लिया था, मम्मी ने भेजा था पैक करके, तो हमने वही खा लिया था। तो अभी हम यहाँ पे नहीं खा रहे हैं, तो वहीं जाके कुछ खाएंगे। तो फिलहाल अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। और गाइस, हम सोच रहे हैं हरिद्वार जाने की, तो कल मेरा वर्कशॉप है 3 बजे से, तो उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार रुड़की से ओनली 30 किलोमीटर है। सो गाइस, IIT रुड़की तो पहुँच चुके हैं, तो अभी वो आ रहे हैं हमको पिक करने के लिए, और यहाँ का सीन तो काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस, फाइनली रूम में पहुंच चुके हैं, और अभी शो चल रहा है। किसका चल रहा है? जुबिन नोटियाल का। तो चलो देखते हैं क्या सीन है, और मजा आएंगे। और अभी हम बाहर भी घूम के आ चुके हैं, तो शो चल रहा था अभी। किसका चल रहा था? जुबिन नोटवाल। हाँ, जुबिन नोटवाल जो भी है, सिंगर है, पता ही होगा आपको, मेरे को इतना नहीं पता है, बट उनका शो चल रहा था, वो हम देख आए हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और कल मेरा वर्कशॉप भी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग, हिट द लाइक बटन। एंड कल भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, जो भी वर्कशॉप में होगा, बिहाइंड द सीन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। साहिल है हमारे साथ, साहिल को दे दूंगा कैमरा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।